स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज नोन एज द पॉन्स स्वेरुलाई। देखिए आपको ये बता दूं कि जब हम हाइंड ब्रेन पढ़ते हैं तो तीन भाग पढ़ते हैं, ठीक है, पॉन्स स्वेरुलाई, सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तीनों ही भाग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार जो है वो इनकी लोकेशंस, इनकी पोजीशंस और राइट इनके कार्य जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, तो यहां पर इस वीडियो के माध्यम से उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले देखें इसकी पोजीशन कहां है। आपने इससे पहले मेरा एक वीडियो देखा होगा मिड ब्रेन के ऊपर, और मिड ब्रेन के एंटीरियर भाग पर, मिड ब्रेन के आगे वाले भाग पर सेरिब्रल पेडिंकल्स पाए जाते थे यानी कि प्रमस्तिष्क वंतक पाए जाते थे, ठीक है। तो ये कहां पर है, पॉन्स स्वेरुलाई आखिर है कहां पर, तो ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के तो ठीक ऊपर, ये देखो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के ऊपर, ये क्या चीज है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, क्लियरली आपको मैंने डायग्राम में बता रखा है। ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा तो कहां पर है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के तो ऊपर, और प्रमस्तिष्क वृंतक के नीचे। अब प्रमस्तिष्क वृंतक किसके भाग है, ये मिड ब्रेन के भाग है। मिड ब्रेन का जो अग्र भाग था, मिड ब्रेन का जो अग्र भाग था वो क्या था, प्रमस्तिष्क वृंतक, मतलब ये रहा मिड ब्रेन, और नेचुरली कि मिड ब्रेन के अंदर क्या होंगे, प्रमस्तिष्क वृंतक होंगे, तो ये तो रहा मिड ब्रेन और ये रहा अपना दैट इज मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो ये क्या चीज है, ये मिड ब्रेन और ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, देख पा रहे हैं, तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के तो ऊपर और प्रमस्तिष्क वृंतक के नीचे, मतलब इसके तो नीचे और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के ऊपर, मिड ब्रेन के नीचे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के ऊपर, यहां पर क्या चीज है, पॉन्स स्वेरुलाई। तो सबसे पहले पोजीशन तो डायग्राम के अंदर बिल्कुल क्लियर कट है, राइट, कि मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के बीच में यहां पर क्या है, पॉन्स स्वेरुलाई। अब ये क्या काम करता है, ये सेरिबेलम की दोनों पालियों को जोड़ता है। जब मैं आपको सेरिबेलम पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर दो पालियां पढ़ाऊंगा उसकी, ऐसे ये वाली, ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम की पालियां हैं, तो इन सेरिबेलम की पालियों को जोड़ने का काम, ये देखो ये सेरिबेलम है, इस सेरिबेलम के जो लोब्स हैं उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पॉन्स स्वेरुलाई। तो ये क्या करता है, सेरिबेलम की दोनों पालियों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि ये अनुमस्तिष्क की दोनों पालियों को जोड़ता है। ओके नाउ अब इसमें क्या पाए जाते हैं, पॉन्स स्वेरुलाई के अंदर अनेक कई सारे ट्रांसवर्स नर्व फाइबर और कई सारे लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। वापस से बोल रहा हूं, पॉन्स स्वेरुलाई के अंदर कई सारे अनुप्रस्थ और अनुलंब, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं जो कनेक्ट करते हैं मस्तिष्क के अलग अलग भागों को, कनेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, मैंने यहां पर लिखा है ट्रांसवर्स फाइबर यानी कि अनुप्रस्थ तंत्रिका तंतु। ये क्या चीज है, अनुप्रस्थ तंत्रिका तंतु, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, तो आप देखो ये कनेक्ट करते हैं, राइट, कनेक्ट विथ सेरिबेलम, मतलब ये वाले जो तंतु होते हैं पॉन्स स्वेरुलाई के, वो जुड़ते हैं किससे, सेरिबेलम से। जैसा मैंने यहां पर बता रखा है कि ये सेरिबेलम की दोनों पालियों को जोड़ता है, तो आखिर जो पॉन्स है वो सेरिबेलम की दोनों पालियों को कैसे जोड़ता होगा, तो वो जोड़ता है किसके द्वारा, अनुप्रस्थ तंत्रिका तंतु के द्वारा। ये देखो मैंने और क्लियर करने के लिए नीचे लिख दिया है, इट कनेक्ट्स द लेटर लोब्स ऑफ सेरिबेलम, ये अनुमस्तिष्क की, ये अनुमस्तिष्क की दोनों जो पार्श्व पालियां हैं, लेटरल लोब्स हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। इज इट क्लियर, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स यानी कि अनुलंब तंत्रिका तंतु, ये क्या करते हैं, दे कनेक्ट सेरिब्रम टू मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, मतलब ये हुआ कि पॉन्स स्वेरुलाई के अंदर पाए जाने वाले ये अनुलंब तंत्रिका तंतु सेरिब्रम यानी कि सेरिब्रम तो ऊपर आया, ठीक है, सेरिब्रम और यानी कि प्रमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, प्रमस्तिष्क कहां पर आएगा, इसके ऊपर, इसके भी ऊपर, तो प्रमस्तिष्क के बीच में संबंध स्थापित करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। आर यू गेटिंग, वापिस से बोल रहा हूं, राइट, ये क्या करते हैं, जो अनुलंब तंत्रिका तंतु होते हैं वो प्रमस्तिष्क, राइट, और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में संबंध स्थापित करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। क्लियर, इतना ही नहीं, ये जो पॉन्स स्वेरुलाई जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है,
इसके अंदर कुछ अन्य रचनाएं भी पाई जाती है, जैसे कि श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए, श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए इसमें दो केंद्र होते हैं। जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, राइट, श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा, तब इसके बारे में मैं और जानकारी दूंगा आपको। इसमें श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए दो केंद्र पाए जाते हैं। देखो, एक तो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक तो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक है एप्न्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एन्यूस्टिक सेंटर, राइट, एन्यूस्टिक सेंटर जो है ये दोनों के दोनों पॉन्स वेलोलाई में स्थित होते हैं और श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्लियर है? तो और इसमें एक और चीज देखो, न केवल इतना सा, ये जो पॉन्स वेलोलाई है इसमें पॉन्टीन न्यूक्लियाई भी होता है। ये थोड़ा सा हायर वर्जन है, नॉर्मली आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा, राइट। ध्यान रखना कि पॉन्स वेलोलाई में एक पॉन्टिंग केंद्रक भी होता है। क्या होता है? पॉन्टिंग केंद्रक पाया जाता है, पॉन्टिंग न्यूक्लियाई होता है। और ये क्या करता है कि इसका काम क्या, सिग्नल्स फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर रिलेड इनटू सेरिबेलम। मतलब इस केंद्रक के द्वारा राइट, सिग्नल्स फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर रिलेड इनटू सेरिबेलम। मतलब कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स के ऐच्छिक गतियों के लिए, राइट, जो सिग्नल्स होते हैं ऐच्छिक गतियों के लिए, जो सिग्नल्स होते हैं वो यहां से रिले होकर कहां पर जाते हैं, सेरिबेलम के अंदर जाते हैं। वापस से बोल रहा हूं, That is, इसका मुख्य काम क्या है, पॉन्टी न्यूक्लियाई का मुख्य काम क्या है, सिग्नल्स फॉर द वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर रिलेट इन टू सेरिबेलम। इस न्यूक्लियाई से ऐच्छिक गतियों के लिए जो सिग्नल होते हैं वो यहां से रिले होते हैं और सेरिबेलम के ऊपर पहुंचते हैं। क्लियर है? और एक और चीज, एक बार प्रश्न पूछा गया था एग्जाम के अंदर, तो मैंने यहां पर एडअप किया है कि पॉन्स जो है वो श्वेत द्रव्य से निर्मित रचना है। पॉन्स क्या है? व्हाइट मैटर से। पॉन्स जो होता है पॉन्स वो व्हाइट मैटर से निर्मित एक रचना है। तो ये जो था वो हमने पहला भाग आज डिस्कस किया हाइंड ब्रेन के ऊपर, जिसका की नाम है पॉन्स वेलोलाई, राइट। इसके दो अन्य भाग जो हैं, डेट इज दोनों इंपॉर्टेंट है, सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसको भी मैं फोर्थ कमिंग वीडियोस के अंदर लेकर आऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। इसकी स्लाइड मैंने वीडियो के अंदर आखिरी में डाल दी है, आप उसको देखकर अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।